हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न एंड फन विद आस्था सो फ्रेंड्स आई एम बैक विद अनदर वीडियो इन विच आई एम गोइंग टू कवर अ मैथ्स टॉपिक फॉर क्लास सिक्स विच इज होल नंबर्स एंड नैचुरल नंबर्स तो फ्रेंड्स हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि होल नंबर्स क्या होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं उसी के साथ में नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है

नेचुरल नंबर्स अब जो नेचुरल नंबर्स होते हैं उनकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हम बाद में पढ़ेंगे पर अभी फिलहाल हम पढ़ रहे हैं व्हाट आर नैचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स ओके सो ऑल काउंटिंग नंबर्स लाइक वन टू थ्री फोर एंड सो ऑन आर कॉल नेचुरल नंबर्स इट्स वेरी ईजी नथिंग टू एक्सप्लेन इन दिस ओके मीन्स सारे के सारे नंबर्स वन से लेकर इन्फिनिटी तक वो होते हैं नैचुरल नंबर्स ओके सो देन वी आर हैविंग होल नंबर्स होल का मतलब होते हैं पूरे नंबर्स आपने ये चीज़ नोटिस करी नोटिस करी होगी कि नेचुरल नंबर में ज़ीरो नहीं आता है और होल नंबर में बस यही एक यह चीज़ है जो आती है जो है कि इसमें नेचुरल नंबर्स के सेट में एक ज़ीरो नंबर जो है वो ऐड हो जाता है जो इसकी डेफिनेशन है वो देखते हैं हम इफ़ वी ऐड ज़ीरो In the set of natural numbers, we get a new set of numbers called the whole numbers. यानी कि whole numbers मतलब सारे के सारे numbers, पूरे numbers. Okay? Uh, for example, ये uh, जो numbers हैं minus one, minus two, ये whole numbers में भी नहीं आते हैं और natural numbers में भी नहीं आते हैं। अगर कोई number है, वो zero है। अगर कोई नंबर है वो ज़ीरो है या तो ज़ीरो से बड़ा है तो वो होल नंबर्स या नेचुरल नंबर्स में आ जाएगा बट अगर कोई नंबर जीरो से कम है तो इट विल नॉट कम इन द कैटेगरी ऑफ नेचुरल नंबर्स एज वेल एज़ होल नंबर्स ओके दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सो यू शुड यू मस्ट रिमेंबर दिस थिंग ओके सो होल नंबर्स के बारे में हमने पढ़ लिया है अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूँ कि क्या कोई क्या कोई भी होल नंबर एक नेचुरल नंबर है अगर आपका आंसर नो no है तो ये आपका आंसर ठीक है वाई बिकॉज होल नंबर्स की कैटेगरी में ज़ीरो भी आता है एंड ज़ीरो डज नॉट कम कैटेगरी ऑफ नेचुरल नंबर्स सो इसलिए होल नंबर्स हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है और अगर मैं ये पूछूं कि न, क्या हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर है सो so, ये आंसर अगर आपका येस yes है सो यू आर करेक्ट बिकॉज नेचुरल नंबर्स में वन से लेकर इन्फिनिटी तक आते हैं और होल नंबर्स में बस एक नंबर एक्स्ट्रा आता है जो है ज़ीरो और अगर वन और टू इसमें वन टू जो भी नंबर्स हैं इसमें आ रहे हैं सो so, मीन्स सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं ओके सो नाउ आई होप ये अंडरस्टूड इट सो ना लेट्स गेट टू द प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल सॉरी प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर ओके फ्रेंड्स सबसे पहले आ जाती है हमारी होल नंबर की प्रॉपर्टी जो होती है एडिशन की सो लेट्स सी व्हाट्स द फर्स्ट प्रॉपर्टी ओके फ्रेंड्स सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द क्लोजर प्रॉपर्टी सो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है जैसे कि होल नंबर है जो होल नंबर है दो होल नंबर्स हैं फॉर एग्जांपल एक वन है और एक टू है उसका जो सम होगा यानी कि उसको दो उन दोनों को ऐड करके जो सम आएगा वो भी एक होल नंबर होना चाहिए सो दिस प्रॉपर्टी सेट्सफाई फॉर एडिशन अभी हम पढ़ रहे हैं एडिशन की प्रॉपर्टी ठीक है एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन इन Whole, uh, चारों की प्रॉपर्टी जो होती है वो अलग सेम uh, होती है प्रॉपर्टी पर बात ये होती है कि वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है या फिर नहीं कर रहा सो द सम ऑफ टू होल नंबर इज़ अ होल नंबर यानी कि दो होल नंबर हैं होल नंबर को हम uh, ऐसे लिख सकते हैं दो होल नंबर हैं एक होल नंबर और एक दूसरा होल नंबर अगर हम इनका सम निकाले तो वो भी एक होल नंबर होना चाहिए ठीक है फॉर एग्जाम्पल वन इज़ ऑल्सो होल नंबर एंड टू इज़ ऑल्सो होल नंबर सो थ्री जो इसका सम है ये भी एक होल नंबर होगा ऐसा तो नहीं है ना कि अगर मैं वन प्लस टू करूँगी तो माइनस थ्री आ जाएगा ये तो होल नंबर नहीं हुआ पर अगर मैं इसका सम निकालूंगी सो इट विल कम थ्री जो कि एक होल नंबर है सो दिस प्रॉपर्टी सेटिस्फाइज फॉर एडिशन ओके वन मोर एग्जाम्पल एट्स टेक ओके सो द सेकेंड एग्जाम्पल इज वन प्लस फाइव वन इज ऑल्सो होल नंबर फाइव इज ऑल्सो होल नंबर द सम इज सिक्स राइट सिक्स इज द सम ऑफ वन एंड फाइव अब अब क्या मैं ये कह सकती हूँ कि सिक्स एक होल नंबर नहीं है It is a whole number, we can say, okay, because it is from 1 to infinity. Okay. So it is a whole number. Yeah, um, okay, I hope you understood the closure property. So now, now let's move to the another property. Okay, friends. So now let's move to the next property, which is commutative property. This property kya Yeh, commutative property. Okay. The sum of two whole numbers remains the, uh, remains the same if the order is changed. For example, a plus b is equal to b plus a. Okay. For example, I say 3 sorry. 6 plus 7 is equal to 7 plus 6. Same iraga yato 6 plus 7 ko here to 7 plus 6 ko. सम तो सेम ही रहेगा जो सम आएगा वो आ रहा है थर्टीन ओके थर्टीन थर्टीन अगर मैं पहले सिक्स ले लूँ उसके बाद सिक्स में सेवन ऐड करूँ तो भी थर्टीन आ रहा है और अगर मैं पहले सेवन ले लूँ और सेवन में सिक्स ऐड करूँ तो भी सेम ही आ रहा है ओके सो दिस इज दिस सेटिसफाई द कॉम्युनिटेटिव प्रॉपर्टी सेटिसफाई के एडिशन

तो वो कुछ अलग आ रहा है और अगर मैं टू प्लस वन करी वो कुछ अलग आ रहा है ऐसा तो नहीं है दोनों का एग्जाम्पल थ्री ही आएगा तो इसलिए इट सैटिस्फाई द कॉम्बिटेटिव प्रॉपर्टी लेट, लेट लेट मी रिकॉल द सम ऑफ टू होल नंबर्स रिमेन्स द सेम इफ द ऑर्डर इज चेंज यानी कि अगर दो होल नंबर का जो सम है वो सेम ही रहेगा चाहे हम उसकी उसका जो ऑर्डर है उसको चेंज कर दें किसी को यहाँ लगा दे किसी को यहाँ लगा दे इफ यू एक्सचेंज द ऑर्डर नथिंग विल हैपन द सम विल बी सेम ओनली आई होप यू अंडरस्टूड नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ओके फ्रेंड्स सो द थर्ड प्रॉपर्टी इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये प्रॉपर्टी क्या कहती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दिस प्रॉपर्टी सेज कि द सम ऑफ थ्री होल नंबर्स रिमेन द सेम इवन ऑफ द ग्रुपिंग इज चेंज फॉर एग्जाम्पल मतलब इसका मीनिंग क्या है लेट मी टेल द मीनिंग फर्स्ट यानी कि कोई थ्री होल नंबर्स है ठीक है और अगर हम उनकी ग्रुपिंग चेंज कर देते हैं तो उनका सम सेम ही रहेगा फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेक ए प्लस बी प्लस सी ठीक है एंड लेट मी टेक अगेन ए प्लस B plus c okay and now let me put a ए प्लस बी इन वन ब्रैकेट एंड देन इन द अदर ग्रुप लेट मी पुट बी एंड सी इन द अदर ब्राकेट in the one bracket. So first ग्रुप में सी रह जाता है और सेकेंड ग्रुप में ए रह जाता है ठीक है सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं आपको पता होगा तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे लेट मी इन नंबर्स वन प्लस टू प्लस थ्री इज इक्वल टू वन प्लस टू प्लस थ्री ओके सो वन प्लस टू कितना होता है थ्री we'll होता है एंड देन थ्री इज लेफ्ट थ्री प्लस थ्री देन फर्स्ट विल सॉल्व योर थ्री प्लस टू कितना होता है फाइव होता है एंड वन प्लस फाइव अब थ्री प्लस थ्री होता है सिक्स वन फाइव प्लस वन होता है सिक्स सो इट डजेंट मैटर कि आप ग्रुपिंग चेंज कर रहे हैं फिर भी जो सम रहेगा वो सेम ही रहेगा ठीक है जो सम होगा थ्री होल नंबर्स का वो सेम ही रहेगा रहे चाहे आप उसकी ग्रुपिंग चेंज करें ठीक है अगर आप उसका ग्रुप ही चेंज करते हैं सो द सम विल रिमेन द सेम ओके सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक

जो एनी होल नंबर जो सम रहेगा वो सेम न, जो सम रहेगा वो सेम यानि कि नंबर रहेगा खुद फॉर एग्जाम्पल आई टेक सिक्स सिक्स प्लस जीरो ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि सिक्स में अगर मैं ज़ीरो ऐड करती हूँ सो इट विल बिकम सेवन नो ओके अगर मैं सिक्स में ज़ीरो ऐड कर रही हूँ सो इट विल बिकम इट विल बी इट विल भी सिक्स इट्स सेल्फ सॉरी ओके इट विल बी सिक्स इट्स सेल्फ ओके इट्स वेरी यू नो ईजी सो दे फोर्थ नंबर ज़ीरो इज़ कॉल्ड दिव आइडेंटिटी ओके यानि कि जीरो को एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट कहा जाता है यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी ओके so it's very easy so i hope you enjoyed uh, learning this uh, properties of whole numbers for addition so now in the next video we are going to learn the same but for subtraction so stay tuned for the next uh, video so thank you for watching my video if you like my video please subscribe to my channel and also hit the like button and share it with your family and friends thank you for watching and bye bye